अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वट एंड हो चैनल और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तकब्बर की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ रेज़ जो होता है वो मुकद्दस के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मोहब्बत करता है। वो किसी भी कीमत में मुकद्दस को खोना नहीं चाहता, लेकिन वो यह सोचता है कि वो मुकद्दस के दरमियान में जो भी रंजिश है वो उसको ख़त्म करके एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करके मुकद्दस ये सुनकर खुश होती है और ये सोचती है कि कभी अरेज़ ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत नहीं दिया जितना आज उसने मुझे इतना प्यार किया है। लेकिन जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो अरेज़ वहाँ से उसे गजरे लेकर देता है, तो मुकद्दस वो लेकर काफ़ी खुश हो जाती है। तो लेकिन वो अरेज़ से कहती है कि अगर तुम मुझे ये गजरे लेके दे दिए हैं तो मुझे खुद पहना भी दो। तो रे सुनकर काफ़ी खुश होता है, लेकिन अपने दिल की बात तो कहना चाहता है, लेकिन वो फिर भी इस बात से डरता है। लेकिन अब ये बात सोचता है कि मैं कभी भी किसी कीमत पर मुकद्दस को खोना नहीं चाहता, बल्कि अपने दिल की जो बात है उसे बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार और मोहब्बत करता हूं। आरिस को जब खुलानामा मिलता है, जब उसे पढ़ता है तो बड़ा परेशान और हैरान हो जाता है, बल्कि इस बात पर सोचता है कि अगर ये खुलानामा आखिर ये खुलानामा जो है किसके लिए है। वो फौरी तौर पर जब मुकद्दस को बुलाता है और मुकद्दस से पूछता है, तो मुकद्दस उसे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मैंने इस बारे में मैं कुछ जानती हूँ। तो रेज़ उसे कहता है कि फिर ये खुलानामा किस लिए आया है। मुकद्दस उसे बताती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि माज भाई चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं। लेकिन अरेज़ मुकद्दस से कहता है कि माज भाई की क्या हिम्मत है जो हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। लेकिन माज जो है वो ये सोचता है कि वो अपनी बहन की ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करना चाहता उस आदमी के साथ। वो जल्द से जल्द उसको उससे जुदा करना चाहता है। लेकिन मुकद्दस अरेज़ को जब सब कुछ समझा देती है तो अरेज़ उसे कहता है कि मुझे पता है ये तुम दोनों बहन भाई मेरे साथ जो खिचड़ी पका रहे हो उस बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इसमें यानी कि इसका मतलब ये होगा कि तुम भी इसमें अपने भाई के साथ मिली हुई हो और तुम भी मुझसे जुदा होना चाहती हो। लेकिन मुकद्दस उसे कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं, तुम मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। ये सब कुछ देखेंगे नाज़रीन आप तकब्बर की आने वाली एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।